गाइज वेलकम टू माई चैनल। ये मेरा एक न्यू ब्लॉग है और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मुझे कहीं जाना है तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। फिर मैं चलती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं आज कहाँ कहाँ जा रही हूँ और आप लोग मेरे साथ बने रहिए और फिर देखते हैं, फिर दिखाते हैं मैं कहाँ जा रही हूँ। बाय। सीन है, चलते हैं फिर। तो आज मैं पैदल जा रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं दूर जाना है तो गाड़ी लेके जाना थोड़ा दिक्कत करेगा, तो इसलिए नहीं लिया। चलिए चलते चलते मिलते हैं। तो गाइस हमको ई रिक्शा मिल गया, हम लोग ई रिक्शे पे बैठ गए हैं और ये बस स्टॉप तक के लिए हमने ई रिक्शा मिल गया। हम लोग को लग गई थी भूख, तो हम लोग आज कल समोसे खा रहे थे, रोटी खा रहे थे। ठीक है, मिलते हैं समोसे खा के। गाड़ी आ चुकी है, हम लोग जा रहे हैं। हाँ हाँ, एक बार समझ आ जाओ। पता है लड़े 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 हर ये और कुछ आने चलो सामान ना गाड़ी आ चुकी है, हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये है देखिए साधना मैम, मैं भी साधना। इधर है लता मैम, इधर है श्वेता मैम और इधर है जेंट्स पार्टी, इधर है बच्चा पार्टी। फिर चलिए हम लोग मिलते हैं, सब दिखाते चलते हैं कहाँ कहाँ हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता है? हम कर पतंजलि महिला ग्रुप सब जा रहे हैं, चलेंगे। चलिए चलना और क्या। हाँ। अगर स्वास्थ्य बनाना हो तो अकेले में कहीं दीदिया बहनी अतिथि बुझे और मना तो कहीं हम सोचे नहीं गए, सवाल है नहीं होता। हम तो बनारस से, हम तो दिए इतनी गर्मी है, खात करना गर्मी रहा तो जाए एक दिन कहीं कहो दीदी जब बाहर घूमो चल तू कुछ वोड़ वोड़ ले हमें कहाँ वोड़ है देखिए भाव लगे मोड़ वन पड़ो इसी कुल है कुल दुकान में डाल। हाँ जो सब बोलेंगे सब बाहर जाती है। तो बहुत गर्मी हो रही है, हम लोग बिल्कुल जा रहे हैं पैदल। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताइए? हम पहले मंदिर जा रहे हैं। अच्छा चलिए, चलने जा रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती इसलिए पैदल चल रहे हैं। अंदर अंदर कह रहे हैं अंदर। काम लगा तो है यहाँ पे। हम लोग मंदिर में आ चुके हैं, सब लोग जा रहे हैं। काफ़ी धूप थी तो पैर बहुत जल रहे थे और बहुत गर्म भी लग रहा था, लेकिन सब लोग फिर भी अंदर गए और सब लोग यहाँ पे अंदर, वहाँ काफ़ी लाइन लगी थी क्योंकि कुछ आरती वगैरह हो रही थी तो इसलिए सब लोग अंदर चले गए और खड़े थे, लाइन लगाए थे। मैंने चारों तरफ से मंदिर को कवर करने की कोशिश की, दिखाने की कि देखिए कितना अच्छा है, बट धूप की वजह से पैर बिल्कुल भुंज गए थे, इतनी फर्श गर्म थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा था। शाम के टाइम तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा, नदी का किनारा था और ये रहा पूरा चारों तरफ से मंदिर का नज़ारा, काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहाँ पे मैं चारों तरफ घूम घूम के इधर से उधर देख रही थी। यहाँ पे देखिए नदी किनारा है, ये बहुत मुझे अच्छा लगा। और ये मंदिर भी काफ़ी बड़ा साफ़ सुथरा था, यहाँ पे बस धूप के कारण यहाँ की फर्श बहुत तेज़ जल रही थी इसलिए हम लोग दौड़ दौड़ के सब रिकॉर्ड कर रहे थे।
से बाहर आने के बाद हम लोगों ने गन्ने का जूस पिया और फिर हम लोग अपनी गाड़ी को चल दिए। आप क्या पी रहे हैं? पानी? हम पानी पी रहे हैं। हम लोग तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। आप क्या पी रही हैं? पानी पी रहे हैं। तो दो लोग हम लोग कोल्ड ड्रिंक वाले श्वेता जी, बाकी लोग पानी वाले। गर्मी बहुत ही भाई। यहाँ हम लोग मनगढ़ मंदिर के पास पहुँच गए थे। फिर उसके बाद हम लोग ने पहले कहा कुछ खा लेते हैं, तो गोलगप्पे हम लोगों ने खाए और फिर काफ़ी टेस्टी गोलगप्पे थे वहाँ के। सब लोग फिर खा के फिर आगे की ओर बढ़े, जहाँ पे आगे स्प्रिंग रोल मिल रहा था, तो हम लोगों ने कहा चलो वो भी खा लेते हैं। भूख बहुत तेज़ लग गई थी इसलिए हम लोगों ने खाया। और यहाँ पे बिल्कुल मेले जैसा सीन था, झूला और काफ़ी कुछ सामान मिल रहा था ऑन रोड में। लोग मंदिर प्रवेश किए, कुछ लोग पहले चले गए थे और हम लोग कुछ लोग बचे थे, तो आगे पीछे सब लोग हो गए थे। तो फिर हम लोग इधर से, और बहुत भीड़ थी यहाँ, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम लोग चले गए हैं। स्टार्टिंग में ही बहुत सुंदर ये बना था कृष्ण जी का पूरा स्टैचू, और ये है मंदिर के अंदर का। और हम लोग यहाँ पे जा रहे थे, बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर जगह था, बहुत सुंदर जगह थी। और हम लोग अंदर जाते जा रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ थी वहाँ का, मतलब बहुत ही क्या ही बताएं, बहुत सुंदर लगा मुझे। और फिर हम लोग आगे गए, सब यहाँ की फ़ोटो वगैरह खींची। ये यहाँ की कुछ झांकियाँ थी कृष्ण लीला की, मोर वगैरह मूर्ति उर्ती जो बहुत जो भी थी सब बहुत सुंदर बनी थी, बिल्कुल रियल लग रही थी। और बहुत भीड़ थी लेकिन बिल्कुल भी मतलब भीड़ जैसा वो महसूस नहीं हुआ, सब लोग आराम से आ जा रहे थे। वहाँ का ऐसे भवन बने थे, बहुत सारे भवन बने थे, कई सारे। और ऐसे ये देखिए कृष्ण जी की ये मूर्ति थी, उसमें गाय मोर और ये सब बनी थी, सब झांकी। बहुत सुंदर सुंदर था, बिल्कुल रियल लग रहा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। सारी थकान दूर हो गई थी, जो गर्मी लगी सब ख़त्म हो गई थी। हम लोग देखते जा रहे थे, घूमते वहाँ पर हम लोग 3-4 घंटे रहे और समय का पता ही नहीं चला। बस ऐसा धूप था इस वजह से हम लोग को खाली गर्मी लगी थी, बाकी बहुत ही सुंदर था। वहाँ पे चारों तरफ घूम घूम के देख रहे थे और आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन फिर भी कोई धक्का मुक्की नहीं थी और बहुत साफ़ सुथरा था। और मंदिर को देख देख के मतलब इतना खुश मन हो जा रहा था। और ये देखिए चारों तरफ अच्छे अच्छे, यहाँ की जो कलाकारी की गई है बहुत ही। वहाँ पर एक शॉप थी जहाँ कुछ कपड़े मिल रहे थे, साड़ी टी शर्ट वगैरह कॉटन के काफ़ी अच्छे मिल रहे थे, लेकिन मुझे बहुत थोड़ा सा कॉस्टली लगा इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं, लेकिन देखा था काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ रील बनाने की कोशिश की, काफ़ी हंसी आ रही थी लेकिन हम लोगों ने बनाया। फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी मस्ती की वहाँ पे सब चारों लोगों ने। ये देखिए फिर मंदिर का नज़ारा काफ़ी सुंदर, वहाँ पे लाइटिंग का, शाम को लाइटिंग की जाती है तो मंदिरों में काफ़ी सुंदर लाइटिंग होती है, बहुत ही देखने में इतना अच्छा लगता है वो, आप भी ज़रूर जाइएगा। फिर देखिए हम लोगों ने फिर एक रील बनाई ये घूम घूम के, और फिर ये भी बहुत मज़ा आ रहा था ये सब करने में, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, कोई मतलब वो नहीं लग रहा था कि अरे क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए
ये देखिए अब शाम को यहाँ पे 6 बजे के बाद ये लाइटिंग मंदिरों में लाइटिंग की जाती है। मंदिर कई कलर से होते हैं, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अद्भुत लगता है। तो आप लोग अगर यहाँ पे आ सकते हैं तो ज़रूर आइएगा, देखिएगा, बहुत सुंदर है। और अब शाम हो चुकी है, अब वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, बाय।